रात को सभी नवयुक्त भाई हम लोग एकत्रित हो गए, एक जागरण में थे। भोपो गबाड़ा तैया जी के मंदिर के यहाँ विशाल जागरण था बाबा का। यहाँ हमें जैसे ही सूचना मिली, तुरंत हम लोग सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वहाँ जो सफेदे का पेड़, विशाल पेड़ गिरा था, वहाँ पहुँच गए। वहाँ राहत कार्य दिया, उसमें पेड़ की टहनियाँ थी बड़ी बड़ी, काट कर एक तरफ का रास्ते तो सुचारू किया, जिससे ट्रैफिक आराम से जयपुर की तरफ और बस स्टैंड से आता हुआ ट्रैफिक रुके नहीं और कोई हादसा नहीं हो। उसके बाद थोड़ी कुछ ही समय पश्चात, 20 से 25 मिनट बाद में एक जेसीबी मशीन आ गई, उसने भी अच्छी राहत दी। और युवाओं ने, सभी ने मिलजुल कर एकजुटता दिखाते हुए सभी पेड़ों को रोड से साइड में कर दिया और जो मार्ग है सड़क वो सुचारू रूप से चालू हो गई। और प्रशासन ने भी इसमें, सिविल लाइन थाने के जो डीओ इंचार्ज थे और मेरे पुलिस कांस्टेबल भाई थे, उनने भी अच्छा समर्थन दिया और नवयुवकों का समर्थन रहा। प्रशासन से एक ही मांग रहेगी कि जिस तरह से विशाल पेड़ लग तो रहे हैं, हमें जीवन दान भी दे रहे हैं, बट ये हमारे लिए घातक भी साबित हो सकते हैं अगर इस तरह से ये गिरते हैं तो। इसके लिए प्रशासन भी और प्राइवेट जो संस्थान है वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। अंडरग्राउंड वायरिंग डाली जा रही है, इसको सुधारने के लिए प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिस तरह से ज़मीन को अंदर से पोला बिल्कुल खोखला कर दिया जाता है और पेड़ों की जड़ों को कमज़ोर कर दिया जाता है, बड़े हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं इस तरह से हम लोग। और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करके इनको रोका जाए, नहीं तो हमारा भी जीवन खतरे में आ सकता है। और ये तो मुख्य मार्ग है जिसपे दिन में ही हादसा नहीं हुआ, अगर दिन में ही हादसा होता तो शर्त यह है कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तेजानम्बी के दिन जो जागरण था, जागरण के आयोजन के दौरान हमें जैसे ही सूचना मिली कि जयपुर रोड पे, मुख्य रोड पर दोनों इस तरफ जो डिवाइडर डिवाइडर को चीरता हुआ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सामने जो सफेदा का बहुत लंबा विशाल पेड़ लगा था वो गिर गया। गिरने की जैसी सूचना मिली तो हम लोग वहाँ हमारी टीम के साथ पहुँचे। पहुँचने के बाद राहत कार्य में हम लोगों ने उसकी छोटी छोटी टहनियाँ काट के, डाले काट के अलग किए, रोड से अलग किए। एक तरफ का सेंटर जेल वाला ट्रैफिक तो हमने सुचारू कर दिया। उसके बाद में नगर निगम से एक जेसीबी आई, जेसीबी ने मदद की। पर सभी नवयुवक भाइयों ने मिलजुल कर एकजुटता दिखाते हुए उस डाले को, पूरे पेड़ को साइड में करवाया, जिससे यातायात सुचारू रूप से चालू किया गया। कितने बजे घटना होगी? रात को करीबन ये 1:30 से लेके 1:45 के बीच की घटना है। इसके अंदर एक आदमी, एक मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी हुआ है, जिसको उपचार के लिए जेलन हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। उसका उपचार हो गया है। आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा था? हम लोगों के पास में एक फोन आया था जयपुर रोड से, तो हम लोगों ने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए, हम लोग हमारी टीम के साथ पहुंच गए। हम सत्संग में बैठे थे, यहाँ जागरण चल रहा था तैया जी के मंदिर का भोपोवाड़ा में। जैसे हम पहुंचे हमने देखा कि हमने कुल्हाड़ी मंगाई, दो कुल्हाड़ी से फटाफट काटना चालू किया, राहत कार्य शुरू करके हमने किया। पेड़ गिरने से रास्ता भी जाम हुआ था? पूरा रास्ता जाम हो गया था, बहुत लंबा विशाल पेड़ था। करीबन उसकी हाइट आपको मैं वैसे तो बता नहीं सकता, मगर जो फोटोज और वीडियो आप लोगों ने कवरेज में लिए हैं उसमें प्रशासन खुद देख रहा है। और जस्ट उसके सामने सेंट्रल जेल की दीवार पर भी बहुत टाइम पहले का एक पेड़ गिरा है, प्रशासन का बिल्कुल ध्यान नहीं है। कुछ दिन पहले सोफिया के वहां पे भी दो गुलमोहर के पेड़ गिर गए थे बड़े विशाल। प्रशासन से एक ही निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से हम बोलते हैं क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर, वो तो हम कर नहीं पा रहे हैं। वृक्षारोपण हम छोटे पेड़ लगाते हैं, इतने विशाल पेड़ अगर गिर जाते हैं तो इसके लिए मानव, जो हम लोगों का जीवन है वो बहुत खतरे में जा रहा है। अगर पेड़, इतना बड़ा पेड़ गिरता है तो समझ लीजिए कम से कम 500 आदमियों का, व्यक्तियों का जीवन खतरे में जाता है। आपका नाम? नरेंद्र तुनवर, अजमेर।